जय जिनेन्द्र। विषय है तीर्थंकर भगवान महावीर। लेखक डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल। शास्त्री न्यायतीर्थ साहित्य रत्न एमए पीएचडी। प्रकाशक पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर। संस्करण 14वां 26 जनवरी सन 2002। तो प्रस्तुत करते हैं इस युग के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के बारे में। भगवान महावीर का जीवन अब पुराणों की गाथा मात्र नहीं रहा, उन्हें अब इतिहासकारों ने ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है। महात्मा गांधी ने उन्हें अहिंसा के अवतार के रूप में याद किया है। जैन मान्यता अनुसार भगवान अनंत होते हैं। प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है, पर तीर्थंकर एक युग में व एक क्षेत्र में 24 ही होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान तो नियम से होते हैं, पर प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर हुए बिना भी भगवान हो सकते हैं। जिससे संसार सागर तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं, और जो ऐसे तीर्थ को करे अर्थात संसार सागर से पार उतरने का मार्ग बतावे उसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर भारत क्षेत्र व इस युग के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनसे पूर्व ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। वे जैन धर्म के संस्थापक नहीं वरन एक प्रबल प्रचारक थे। जैन धर्म कोई मत या संप्रदाय नहीं है, वह तो वस्तु का स्वरूप है। वह एक तथ्य है, परम सत्य है। उस परम सत्य को प्राप्त कर नर से नारायण बना जा सकता है। भगवान महावीर का जीवन अहिंसा के आधार पर मानव जीवन के चरम विकास की कहानी है। क्षत्रिय राजकुमार होने पर भी उन्होंने कभी विश्व विजय के स्वप्न नहीं देखे। बाहरी आयुधों से दूसरों को जीतने में उन्हें जीत दिखाई नहीं दी। उनका विचार था कि अपने अंतर में उठने वाली मोह राग द्वेष की वृत्तियों को जीतना ही सच्ची जीत है। अतः उन्होंने अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा मोह राग द्वेष का अभाव कर ज्ञान का पूर्ण विकास करना ही अपना लक्ष्य बनाया और उस दिशा में अपूर्व पुरुषार्थ भी किया। फलतः वे पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ बने तथा भगवान कहे जाने लगे। जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो वही भगवान है। बिना पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए और वीतरागी बने कोई भगवान नहीं हो सकता। जैन मान्यता अनुसार भगवान जन्मते नहीं बनते हैं। जन्म से कोई भगवान नहीं होता। महावीर भी जन्म से भगवान ना थे। जन्म के समय तो वे हम और आप जैसे मानव ही थे। भगवान तो वे बाद में बने जब उन्होंने अपने को जीता। मोह राग द्वेष को जीतना ही अपने को जीतना है। उन्होंने स्वयं कहा है, अपने को जीत लिया तो जग जीत लिया, और अपने को जान लिया तो जग जान लिया। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जितने गूढ़ गंभीर व ग्राह्य हैं, उनका जीवन उतना ही सादा सरल एवं सपाट है।
उसमें विविधताओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं। उनकी जीवन गाथा मात्र इतनी ही है कि वे आरंभ के 30 वर्ष वैभव और विलास के बीच जल से भिन्न कमल बन रहे, बीच के 12 वर्ष जंगल में परम मंगल की साधना में एकांत आत्म आराधना रत रहे और अंतिम 30 वर्ष प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सर्वोदय तीर्थ का प्रवर्तन प्रचार व प्रसार करते रहे। महावीर का जन्म वैशाली गणतंत्र के प्रसिद्ध राजनेता राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के उदर से कुंड ग्राम में हुआ था। उनकी मां वैशाली गणतंत्र के अध्यक्ष राजा चेटक की पुत्री थी। वे आज से 2600 से अधिक वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन नाथ वंशीय क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। महावीर का नाम उनके माता पिता ने उनको नित्य वृद्धिंगत होते देख वर्धमान रखा। उनके जन्म का उत्सव उनके माता पिता व परिजन पुरजनों ने तो बहुत उल्लास के साथ मनाया ही था, साथ ही भावी तीर्थंकर होने से इंद्रों और देवों ने भी आकर महान उत्सव किया था, जिसे जन्म कल्याणोत्सव कहते हैं। इंद्र उन्हें ऐरावत हाथी पर बैठा कर सुमेरु पर्वत पर ले गए और वहां पांडव के शिला पर बड़े ही ठाट बाट से उनका जन्माभिषेक किया, जिसका विस्तृत विवरण जैन पुराणों में उपलब्ध है। बालक वर्धमान जन्म से ही स्वस्थ सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाले बालक थे। वे दोज के चंद्र की भांति नित्य वृद्धिंगत होते हुए अपने वर्धमान नाम को सार्थक करने लगे। उनकी कंचन वर्णी काया अपनी कांति से सबको आकर्षित करती थी। उनके रूप सौंदर्य का पान करने के लिए सुरपति इंद्र ने 1000 नेत्र बनाए थे। वे आत्मज्ञानी विचारवान विवेकी और निर्भीक बालक थे। डरना तो उन्होंने सीखा ही ना था, वे साहस के पुतले थे, अतः उन्हें बचपन से ही वीर अतिवीर कहा जाने लगा था। आत्मज्ञानी होने से उन्हें सन्मति भी कहा जाता था। उनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं, वीर अतिवीर सन्मति वर्धमान और महावीर। वे प्रत्युत्पन्न मति थे और विपत्तियों में अपना संतुलन नहीं खोते थे। एक दिन अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से माता पिता परिजनों और पुरजनों को आनंद देने वाले बालक वर्धमान अन्य राजकुमारों के साथ क्रीड़ा वन में खेल रहे थे। खेल ही खेल में अन्य बालकों के साथ वर्धमान भी एक वृक्ष पर चढ़ गए। इतने में एक भयंकर काला सर्प आकर वृक्ष से लिपट गया और क्रोधावेश में वीरों को भी कंपित कर देने वाली फुंकार करने लगा। विषम स्थिति में अपने को पाकर अन्य बालक तो भय से कांपने लगे, पर धीर वीर बालक वर्धमान को वह भयंकर नागराज विचलित ना कर सका। महावीर को अपनी ओर निर्भय और निशंक आता देख वह नागराज निर्मद होकर स्वयं अपने रास्ते चलता बना। इसी प्रकार एक बार एक हाथी मदोन्मत्त हो गया और गजशाला के स्तंभ को तोड़कर नगर में विप्लव मचाने लगा। सारे नगर में खलबली मच गई।
सभी लोग घबराकर यहां वहां भागने लगे, पर राजकुमार वर्धमान ने अपना धैर्य नहीं खोया तथा शक्ति और युक्ति से शीघ्र ही गजराज पर काबू पा लिया। राजकुमार वर्धमान की वीरता व धैर्य की चर्चा नगर में सर्वत्र होने लगी। वे प्रतिभा संपन्न राजकुमार थे, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर दिया करते थे। वे शांत प्रकृति के तो थे ही, युवावस्था में प्रवेश करते ही उनकी गंभीरता और बढ़ गई। वे अत्यंत एकांत प्रिय हो गए। वे निरंतर चिंतवन में ही लगे रहते थे और गूढ़ तत्व चर्चाएं किया करते थे। तत्व संबंधी बड़ी से बड़ी शंकाएं तत्व जिज्ञासु उनसे करते और वे बातों ही बातों में उनका समाधान कर देते थे। बहुत सी शंकाओं का समाधान तो उनकी सौम्य आकृति ही कर देती थी। बड़े बड़े ऋषिगणों की शंकाएं भी उनके दर्शन मात्र से शांत हो जाती थी। वे शंकाओं का समाधान नहीं करते थे, वरन स्वयं समाधान थे। एक दिन वे राजमहल की चौथी मंजिल पर एकांत में विचारमग्न बैठे थे। उनके बाल साथी उनसे मिलने को आए और मां त्रिशला से पूछने लगे, वर्धमान कहाँ हैं? गृह कार्य में संलग्न मां ने सहज ही कह दिया, ऊपर। सब बालक ऊपर को दौड़े और हाफते हुए सातवीं मंजिल पर पहुंचे, पर वहां वर्धमान को ना पाया। जब उन्होंने स्वाध्याय में संलग्न राजा सिद्धार्थ से वर्धमान के संबंध में पूछा तो उन्होंने बिना गर्दन उठाए ही कह दिया, नीचे। मां और पिता के परस्पर विरुद्ध कथनों को सुनकर बालक असमंजस में पड़ गए। अंततः उन्होंने एक एक मंजिल खोजना आरंभ किया और चौथी मंजिल पर वर्धमान को विचार मग्न बैठे पाया। सब साथियों ने उलाहने के स्वर में कहा, तुम यहां छिपे छिपे दार्शनिकों की सी मुद्रा में बैठे हो और हमने सातों मंजिलें छान डाली। मां से क्यों नहीं पूछा? वर्धमान ने सहज प्रश्न किया। साथी बोले, पूछने से ही तो सब कुछ गड़बड़ हुआ। मां कहती हैं ऊपर और पिताजी कहते हैं नीचे, कहां खोजें, कौन सत्य है? वर्धमान ने कहा, दोनों सत्य हैं। मैं चौथी मंजिल पर होने से मां की अपेक्षा ऊपर और पिता की अपेक्षा नीचे हूं, क्योंकि मां पहली मंजिल और पिताजी सातवीं मंजिल पर हैं। इतना भी नहीं समझते? ऊपर नीचे की स्थिति सापेक्ष है। बिना अपेक्षा ऊपर नीचे का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तु की स्थिति पर से निरपेक्ष होने पर भी उसका कथन सापेक्ष होता है। प्रतिपादन की इसी शैली को ही तो स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वाद एक ऐसी शैली है जिसमें कहीं किसी को कोई विरोध नहीं आ सकता। यह सर्व समाधान कारक एवं सर्व समन्वय संयुक्त वाणी है। इस प्रकार बालक वर्धमान स्याद्वाद जैसे गहन सिद्धांतों को बालकों को भी सहज समझा देते थे। वे बड़े धीर वीर क्षत्रिय युवक थे। वे चाहते तो राजा बन सकते थे, प्रजा को सताकर अपना राजकोष भर सकते थे और उसके बल पर एक बड़ी भारी सेना रखकर बहुत से हरे भरे देशों को उजाड़ बनाकर महाराजा भी बन सकते थे, पर यह सब कुछ उन्हें इष्ट ना था। जिसे हम संपत्ति मानते हैं वह उन्हें विपत्ति प्रतीत हुई। राज्य सुख बंधन लगा।
मानवता के उत्पीड़न में आनंद की कल्पना वे ना कर सके। वे तो शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद की खोज में थे और वह आनंद बाहर से नहीं अपने अंतर में प्राप्त होने वाली वस्तु है। अतः उनकी वृत्तियां अंतरोन्मुख हो गई। उस युग में बाह्य वातावरण हिंसा से व्याप्त था। धर्म के नाम पर भी हिंसा तांडव नृत्य कर रही थी। यज्ञों में पशुओं की बलि तो साधारण बात हो गई थी, नर मेघ यज्ञ तक होने लगे थे। धर्म के ठेकेदार स्वर्ग में भेजने के बहाने धर्म के नाम पर निरीह पशुओं और असहाय मानवों को होमने लगे थे। अहिंसा के अवतार महावीर का अपने को उक्त वातावरण में खपा पाना संभव ना था। वे सबको सन्मार्ग दिखाना चाहते थे, किंतु दूसरों को समझाने के पूर्व वे अपने ज्ञान का पूर्ण विकास कर लेना चाहते थे। बाह्य हिंसा से जगत को रोकने के पहले वे अपने अंतर में विद्यमान राग द्वेष रूप भाव हिंसा को पूर्ण समाप्त कर देना चाहते थे। अतः उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास लेने का विचार किया। वे महावीर तो बनना चाहते थे, पर हिंसा अत्याचार पर पीड़न संहार और क्रूरता के नहीं, वरन अहिंसा और शांति के महावीर बनना चाहते थे। दुनिया ने उन्हें अपने रंग में रंगना चाहा, पर आत्मा के रंग में सर्वांग सराबोर महावीर पर दुनिया का रंग ना चढ़ा। यौवन ने अपने प्रलोभनों के पासे फेंके, किंतु उसके भी दाव खाली गए। माता पिता की ममता ने उन्हें रोकना चाहा, पर मां के आंसुओं की बाढ़ भी उन्हें ना बहा सकी। उनके रूप सौंदर्य एवं बल विक्रम से प्रभावित हो अनेक राजागण अपनी अप्सराओं के सौंदर्य को लज्जित कर देने वाली कन्याओं की शादी उनसे करने के प्रस्ताव लेकर आए, पर अनेक राजकन्याओं के हृदय में वास करने वाले महावीर का मन उन कन्याओं में ना था। माता पिता ने भी उनसे शादी करने का बहुत आग्रह किया, पर वे तो इंद्रिय निग्रह का निश्चय कर चुके थे। चारों ओर से उन्हें गृहस्थी के बंधन में बांधने के अनेक यत्न किए गए, पर वे अबंध स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर संसार के सर्व बंधनों से मुक्त होने का निश्चय कर चुके थे। जो मोह बंधन तोड़ चुका हो उसे कौन बांध सकता था। परिणाम स्वरूप 30 वर्षीय भरे यौवन में उन्होंने घर बार छोड़ा, नग्न दिगंबर हो निर्जन वन में आत्म साधना रत हो गए। वे मौन रहते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। कंट का कीर्ण भूमि ही उनकी शैया थी और नीला आकाश ही चादर। भुजा का तकिया बनाकर रात्रि के पिछले प्रहर में वे एक करवट मुश्किल से घड़ी दो घड़ी निद्रा लेते थे। निरंतर आत्मचिंतन में ही लगे रहते थे। यहां तक कि स्नान और दंत धोवन के विकल्प से भी परे थे। शत्रु और मित्र में संभाव रखने वाले महावीर गिरी कंदराओं में वास करते थे। शीत ग्रीष्म वर्षादि ऋतुओं के प्रचंड वेग से वे तनिक भी विचलित ना होते थे। उनकी सौम्य मूर्ति, स्वाभाविक सरलता, अहिंसामय जीवन एवं शांत स्वभाव का प्रभाव वन्य पशुओं पर भी पड़ता था और वे स्वभावगत वैर विरोध छोड़
साम्य भाव धारण करते थे। अहिनकुल तथा गाय और शेर एक घाट पानी पीते थे। जहां वे ठहरते वातावरण शांतिमय हो जाता था। कभी कदाचित भोजन का विकल्प उठता तो अनेक अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर वे भोजन के लिए समीपस्थ नगर की ओर आते। यदि कोई श्रावक उनकी प्रतिज्ञाओं के अनुरूप शुद्ध सात्विक आहार नवदा भक्ति पूर्वक देता तो अत्यंत सावधानी पूर्वक खड़े खड़े निरीह भाव से रूखा सूखा आहार ग्रहण कर शीघ्र वन को वापस चले जाते थे। मुनिराज महावीर का आहार एक बार अति विपन्नावस्था को प्राप्त सती चंदन वाला के हाथ से भी हुआ था। इस प्रकार अंतर्वाह घोर तपस्या करते 12 वर्ष बीत गए। 42 वर्ष की अवस्था में आत्मनिमग्नता की दशा में उन्होंने अंतर में विद्यमान सूक्ष्म राग का भी अभाव कर पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त कर ली। पूर्ण वीतरागता प्राप्त होते ही उन्हें परिपूर्ण ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं को पूर्णतया जीत लेने से वे सच्चे महावीर बने। पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ होने से वे भगवान कहलाए। उसी समय तीर्थंकर नामक महापुण्योदय से उन्हें तीर्थंकर पदवी प्राप्त हुई और वे तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में विश्रुत हुए। उसके बाद उनका तत्वोपदेश होने लगा। उनकी धर्म सभा को समवसरण कहा जाता था। उसमें प्रत्येक प्राणी को जाने का अधिकार प्राप्त था। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। जाति पाति को कोई स्थान प्राप्त ना था। भगवान महावीर ने जातिगत श्रेष्ठता को कभी महत्व नहीं दिया। उनके अनुसार श्रेष्ठत्व का मापदंड मानव के आचार और विचार हैं। आचार शुद्धि के लिए अहिंसा और विचार शुद्धि के लिए अनेकांतात्मक दृष्टिकोण आवश्यक हैं। जिसका आचार अहिंसक है, जिसने विचार में वस्तु तत्व को स्पर्श किया है तथा जो अपने में उतर चुका है, चाहे वह चांडाल ही क्यों न हो, वह मानव ही नहीं देव से भी बढ़कर है। कहा भी है, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर भस्म गूढ़ांगारांत रोजसम। आचार्य समंतभद्र ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के श्लोक नंबर 28 में ये कहा है। इसका अर्थ, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से संपन्न है, वह व्यक्ति भले ही मातंग अर्थात चांडाल जैसे हीन कुल में पैदा हुआ हो, फिर भस्म की भीतर छिपी हुई अग्नि के समान देवों का भी देव है। उनकी धर्म सभा में राजा रंक, गरीब अमीर, गोरे काले सब मानव एक साथ बैठकर धर्म श्रवण करते थे। यहां तक कि उसमें मानवों देवों के साथ साथ पशुओं के बैठने की भी व्यवस्था थी और बहुत से पशुगण भी शांतिपूर्वक धर्म श्रवण करते थे। सर्व प्राणी समभाव जैसा महावीर की धर्म सभा में प्राप्त था, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। महावीर के धर्म शासन में महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। उनके द्वारा स्थापित चतुर्विध संघ में मुनि संघ और श्रावक संघ के साथ साथ आरिका संघ और श्राविका संघ भी थे। अनेक विरोधी विद्वान भी उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अपनी परंपराओं को त्याग उनके शिष्य बने।
प्रमुख विरोधी विद्वान इंद्रभूति गौतम तो उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। वे ही उनके प्रथम गणधर बने जो कि गौतम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुधर्म स्वामी आदि और भी उनके गणधर थे। श्रावक शिष्यों में मगध सम्राट महाराजा श्रेणिक अर्थात बिंबसार प्रमुख थे। लगातार 30 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में उनका विहार होता रहा। उनका उपदेश जन भाषा में होता था। उनके उपदेश को दिव्य ध्वनि कहा जाता है। उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में पूर्ण रूप से आत्मा की स्वतंत्रता की घोषणा की। उनका कहना था कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग स्वावलंबन है। अपने बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है और ना ही उसे दूसरों के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। सब आत्माएं स्वतंत्र भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं, पर वे एक सी अवश्य हैं, बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं। अतः उन्होंने कहा, नंबर एक, अपने समान दूसरी आत्माओं को जानो। नंबर दो, सब आत्माएं समान हैं पर एक नहीं। नंबर तीन, यदि सही दिशा में पुरुषार्थ करे तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। नंबर चार, प्रत्येक प्राणी अपनी भूल से स्वयं दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी भी हो सकता है। भगवान महावीर ने जो कहा वह कोई नया सत्य नहीं था। सत्य में नए पुराने का भेद कैसा? उन्होंने जो कहा वह सदा से है, सनातन है। उन्होंने सत्य की स्थापना नहीं, सत्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया। उन्होंने धर्म को नहीं, धर्म में खोई आस्था को स्थापित किया। धर्म वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। वस्तु का स्वभाव बनाया नहीं जा सकता। जो बनाया जा सके वह स्वभाव कैसा, वह तो जाना जाता है। कर्तृत्व के अहंकार एवं अपनत्व के ममकार से दूर रहकर जो स्व और पर को समग्र रूप से जान सके, महावीर के अनुसार वही भगवान है। भगवान जगत का तटस्थ ज्ञाता दृष्टा होता है, कर्ता धर्ता नहीं। जो समस्त जगत को जानकर उससे पूर्ण अलिप्त वीतराग रह सके अथवा पूर्ण रूप से अप्रभावित रहकर जान सके, वही भगवान है। तीर्थंकर भगवान वस्तु स्वरूप को जानते हैं, बताते हैं, बनाते नहीं। वे तीर्थंकर थे, उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। उन्होंने जो उपदेश दिया उसे आचार्य समंत्रभद्र ने सर्वोदय तीर्थ कहा है। युक्त अनुशासन श्लोक नंबर 62 में सर्वांतवत् तद्गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम सर्वापदामंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव। हे भगवान महावीर, आपका सर्वोदय तीर्थ सापेक्ष होने से सर्व धर्मों को लिए हुए है।
इसमें मुख्य और गौण की विवक्षा से कथन है, अतः कोई विरोध नहीं आता। किंतु अन्य वादियों के कथन निरपेक्ष होने से संपूर्णतः वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने में असमर्थ हैं। आपका शासन अर्थात तत्वोपदेश सर्व आपदाओं का अंत करने और समस्त संसारी प्राणियों को संसार सागर से पार करने में समर्थ है, अतः सर्वोदय तीर्थ है। भगवान महावीर का सर्वोदय वर्गोदय के विरुद्ध एक वैचारिक क्रांति है। जिसमें सबका उदय हो वही सर्वोदय है। वे मानव मात्र का ही नहीं प्राणी मात्र का उदय चाहते थे। धर्म के सर्वोदय स्वरूप का तात्पर्य सर्व जीव समभाव और सर्व जाति समभाव से है। सब जीवों की उन्नति के समान अवसरों की उपलब्धि ही सर्वोदय है। दूसरों का बुरा चाहकर कोई अपना भला नहीं कर सकता है। सामाजिक जीवन में विषमता रहते कभी कोई वर्ग सुखी और शांत नहीं रह सकता। यह कदापि नहीं चल सकता कि एक ओर तो असीम भोग सामग्री सहज ही उपलब्ध हो और दूसरी ओर श्रम करते हुए भी जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध ना हो सके। उसके लिए भगवान महावीर ने अपरिग्रह और अल्प परिग्रह की व्यवस्था को उपादेय कहा, पर उक्त व्यवस्था की स्थापना अहिंसात्मक ढंग से ही होनी चाहिए। भगवान महावीर ने अहिंसा को परम धर्म घोषित किया है। सामाजिक जीवन में विषमता रहते अहिंसा नहीं पनप सकती, अतः अहिंसा के सामाजिक प्रयोग के लिए जीवन में समन्वय वृत्ति सह अस्तित्व की भावना एवं सहिष्णुता अति आवश्यक है। महावीर ने जन साधारण में संभावित शारीरिक हिंसा को कम करने के लिए सह अस्तित्व सहिष्णुता और समता भाव पर जोर दिया, तो वैचारिक हिंसा से बचने के लिए अनेकांत का समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। महावीर की अहिंसा के अनेक रूप हैं, अनेकांत स्याद्वाद और अपरिग्रह अहिंसा के ही रूपांतर हैं। अहिंसा की ही दिव्य ज्योति विचार के क्षेत्र में अनेकांत, वचन व्यवहार के क्षेत्र में स्याद्वाद और सामाजिक तथा आत्म शांति के क्षेत्र में अल्प परिग्रह या अपरिग्रह के रूप में प्रकट होती है। भगवान महावीर ने सदा ही अहिंसात्मक आचरण पर जोर दिया है। जैन आचरण छुआछूत मूलक न होकर जिसमें हिंसा ना हो या कम से कम हिंसा हो के आधार पर निश्चित होता है। पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, मद्य मांस का सेवन नहीं करना आदि समस्त आचरण अहिंसा को लक्ष्य में रखकर ही अपनाए गए हैं। हिंसा और अहिंसा की जैसी सूक्ष्म व्याख्या भगवान महावीर ने की है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। वे कहते हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 44 में, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्तहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। अर्थात आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है और उनकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है, यही जिनागम का सार है। आत्मशुद्धि के लिए मोह राग द्वेष रूप भाव हिंसा का त्याग आवश्यक है। महावीर ने जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया,
वे योग्यता मूलक समाज व्यवस्था में विश्वास रखते थे, क्योंकि व्यक्ति की ऊंचाई का आधार उसकी योग्यता और आचार विचार है, ना कि जन्म। जन्म से ही छोटे बड़े का भेद करना भी हिंसात्मक आचरण है। आज हमने मानव मानव के बीच अनेक दीवारें खड़ी कर ली हैं। ये दीवारें प्राकृतिक ना होकर हमारे द्वारा ही खड़ी की गई हैं। ये दीवारें रंग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, कुल भेद, देश व प्रांत भेद आदि की हैं। यही कारण है कि आज सारे विश्व में एक तनाव का वातावरण है। एक देश दूसरे देश से शंकित है और एक प्रांत दूसरे प्रांत से। यहां तक कि मानव मानव की ही नहीं, एक प्राणी दूसरे प्राणी की इच्छा और आकांक्षाओं को अविश्वास की दृष्टि से देखता है। भले ही वे परस्पर एक दूसरे से पूर्णतः असंप्रक्त ही क्यों न हो, पर एक दूसरे के लक्ष्य से एक विशेष प्रकार का तनाव लेकर जी रहे हैं। तनाव से सारे विश्व का वातावरण एक घुटन का वातावरण बन रहा है। वास्तविक धर्म वह है जो इस तनाव को वह घुटन को समाप्त करे या कम करे। तनावों से वातावरण विषाक्त बनता है और विषाक्त वातावरण मानसिक शांति भंग कर देता है। तीर्थंकर महावीर की पूर्वकालीन एवं समकालीन परिस्थिति भी सब कुछ मिलाकर इसी प्रकार की थी। तीर्थंकर महावीर के मानस में आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की भी प्रेरणा थी, और उसी प्रेरणा ने उन्हें तीर्थंकर बनाया। उनका सर्वोदय तीर्थ आज भी उतना ही ग्राह्य, ताजा और प्रेरणा प्रद है जितना उनके समय में था। उनके तीर्थ में ना संकीर्णता थी और ना मानव कृत सीमाएं। जीवन की जिस धारा को वे मानव के लिए प्रवाहित करना चाहते थे, वही वस्तुतः सनातन सत्य है। धार्मिक जड़ता और आर्थिक अपव्यय रोकने के लिए महावीर ने क्रियाकांड और यज्ञों का विरोध किया। आदमी को आदमी के निकट लाने के लिए वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर बताया। जीवन के जीने के लिए अनेकांत की भावभूमि, स्याद्वाद की भाषा और अणुव्रत का आचार व्यवहार दिया, और मानव व्यक्तित्व के चरम विकास के लिए कहा कि ईश्वर तुम ही हो, अपने आप को पहचानो और ईश्वरीय गुणों का विकास कर ईश्वरत्व को पाओ। तीर्थंकर महावीर ने जिस सर्वोदय तीर्थ का प्रणयन किया, उसके जिस धर्म तत्व को लोक के सामने रखा, उसमें ना जाति की सीमा है, ना क्षेत्र की और ना काल की, ना रंग वर्ण लिंग आदि की। धर्म में संकीर्णता और सीमा नहीं होती। आत्मधर्म सभी आत्माओं के लिए है, और धर्म को मात्र मानव से जोड़ना भी एक प्रकार की संकीर्णता है। वह तो प्राणी मात्र का धर्म है। मानव धर्म शब्द भी पूर्ण उदारता का सूचक नहीं है। वह भी धर्म के क्षेत्र को मानव समाज तक ही सीमित करता है, जबकि धर्म का संबंध समस्त प्राणी जगत से है, क्योंकि सभी प्राणी सुख और शांति से रहना चाहते हैं। धर्म का सर्वोदय स्वरूप तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आग्रह समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि आग्रह विग्रह को जन्म देता है
प्राणी को असहिष्णु बना देता है। धार्मिक असहिष्णुता से भी विश्व में बहुत कलह है, वह रक्तपात हुआ है, इतिहास इसका साक्षी है। जब जब धार्मिक आग्रह सहिष्णुता की सीमा को लांघ जाता है, तब तब वह अपने प्रचार व प्रसार के लिए हिंसा का आश्रय लेने लगता है। धर्म का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उसके नाम पर रक्तपात हुए और वह भी उक्त रक्तपात के कारण विश्व में घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। इस प्रकार जिस धर्म तत्व के प्रचार के लिए हिंसा अपनाई गई, वही हिंसा उसके ह्रास का कारण बनी। किसी का मन तलवार की धार से नहीं पलटा जा सकता, अज्ञान ज्ञान से कटता है। उसे हमने तलवार से काटने का यत्न किया। विश्व में नास्तिकता के प्रचार में इसका बहुत बड़ा हाथ है। भगवान महावीर ने उक्त तथ्य को भली प्रकार समझा था, अतः उन्होंने साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधन की पवित्रता पर भी पूरा पूरा जोर दिया। अनेकांतात्मक विचार, स्याद्वाद रूपी वाणी, अहिंसात्मक आचार एवं अपरिग्रही जीवन, ये चार महान सिद्धांत तीर्थंकर महावीर की धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल प्रमाण है। सहिष्णुता के बिना सह अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि संसार में अनंत प्राणी हैं और उन्हें इस लोक में साथ साथ ही रहना है। यदि हम सब ने एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती दिए बिना रहना नहीं सीखा, तो हमें निरंतर अस्तित्व के संघर्ष में जुटे रहना होगा। संघर्ष अशांति का कारण है और उसमें हिंसा अनिवार्य है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। इस प्रकार हिंसा प्रतिहिंसा का कभी समाप्त ना होने वाला चक्र चलता रहता है। यदि हम शांति से रहना चाहते हैं, तो हमें दूसरों के अस्तित्व के प्रति सहनशील बनना होगा। सहनशीलता सहिष्णुता का ही पर्याय है। तीर्थंकर भगवान महावीर ने प्रत्येक वस्तु की पूर्ण स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की है और यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमनशील है। उसके परिणमन में पर पदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहां तक कि परम पिता परमेश्वर भी उसकी सत्ता का कर्ता धर्ता नहीं है। जन जन की ही नहीं अपितु कण कण की स्वतंत्र सत्ता की उद्घोषणा तीर्थंकर महावीर की वाणी में हुई। दूसरों के परिणमन या कार्य में हस्तक्षेप करने की भावना ही मिथ्या, निष्फल और दुख का कारण है, क्योंकि सब जीवों का जीवन मरण, सुख दुख स्वयंकृत व स्वयंकृत कर्म का फल है। एक को दूसरे के दुख सुख जीवन मरण का कर्ता मानना अज्ञान है। सो ही आचार्य अमृतचंद देव कृत समयसार कलश 168 में कहा है, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञान में तदेह यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। इसका पद्यानुवाद, जीवन मरण और दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हों नियम से।
करे कोई किसी के जीवन मरण अर दुख सुख, विविध भूलों से भरी यह मान्यता अज्ञान है। यदि एक प्राणी को दूसरे के दुख सुख और जीवन मरण का कर्ता माना जाए तो फिर स्वयं कृत शुभाशुभ कर्म निष्फल साबित होंगे, क्योंकि प्रश्न यह है कि हम बुरे कर्म करें और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या वह हमें सुखी कर सकता है। इसी प्रकार हम अच्छे कार्य करें और कोई व्यक्ति चाहे वह ईश्वर ही क्यों ना हो, क्या हमारा बुरा कर सकता है। यदि हाँ तो फिर अच्छे कार्य करना और बुरे कार्यों से डरना व्यर्थ है, क्योंकि उनके फल को भोगना तो आवश्यक है नहीं। और यदि यह सही है कि हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर पर के हस्तक्षेप की कल्पना निरर्थक है। इसी बात को अमित गति आचार्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है, स्वयं कृतः कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन, विचार यन्नेव मनन्न मानसः परो ददातीति विमुच्य शेमुषी। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अतः सिद्ध है कि किसी भी द्रव्य में पर का हस्तक्षेप नहीं चलता, हस्तक्षेप की भावना ही आक्रमण को प्रोत्साहित करती है। यदि हम अपने मन से पर में हस्तक्षेप करने की भावना निकाल दें तो फिर हमारे मानस में सहज ही अनाक्रमण का भाव जाग जाएगा। आक्रमण प्रत्याक्रमण को जन्म देता है, यह आक्रमण प्रत्याक्रमण की स्थिति एक ऐसे युद्ध को प्रोत्साहित कर सकती है जिससे मात्र विश्व शांति ही खतरे में ना पड़ जाए, अपितु विश्व प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः विश्व शांति की कामना करने वालों को तीर्थंकर महावीर द्वारा बताए गए अहस्तक्षेप अनाक्रमण और सह अस्तित्व के मार्ग पर चलना आवश्यक है, इसमें ही सबका हित निहित है। उन्होंने व्यक्ति स्वतंत्र और विचारों की स्वतंत्रता पर सर्वत्र जोर दिया है। वे अपने पीछे अंधविश्वासियों की भीड़ इकट्ठी कर पोपडम का प्रचार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तो विचारकों को चिंतन की नई दिशा दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो मैं कहता हूं उसे तर्क की कसौटी पर कसकर और अनुभूति से आत्मसात करके ही स्वीकार करो, अन्यथा यह सत्य तुम्हारा ना बन पाएगा। आगम प्रमाण रूप चाबुक की मार से, तर्कों के प्रबल प्रहार से
और मेरे अद्भुत व्यक्तित्व के प्रभाव से जो मैंने कहा उसे यदि ऊपर से स्वीकार भी कर लिया तो कोई लाभ नहीं होगा। वह तो एक नए अंधविश्वास और पोपडम को ही जन्म देगा। स्वतंत्रता के साथ साथ समानता का सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किया। एकता का आधार समानता ही हो सकती है। उन्होंने हम एक हैं का नारा ना देकर हम सब एक से हैं का नारा दिया। हम सब एक हैं में व्यक्ति स्वातंत्र का अभाव हो जाता है। वहां हम सब एक से हैं में व्यक्ति स्वातंत्र के साथ ही समानता के आधार पर एकता भी स्थापित होती है, जो कि वस्तु स्वभाव और मानव मनोविज्ञान के अति निकट है। इस प्रकार उनका उपदेश सार्वभौमिक और विश्व शांति की ओर ले जाने वाला है। यदि आज महावीर के सर्वोदयी अनेकांतात्मक विचार सब पक्षों को अपने में समाहित कर लेने वाली स्याद्वाद वाणी, अहिंसा युक्त आचरण और अल्प संग्रह से युक्त जीवन वृत्ति हमारे सामाजिक जीवन का आधार व अंग बन जाए तो हमारी बहुत कुछ समस्याएं सहज सुलझ सकती हैं। हम आत्म शांति के साथ साथ विश्व शांति की दिशा में भी सहज ही अग्रसर हो सकते हैं। अंत में 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने भौतिक देह को त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया। उसी दिन उनके प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन मान्यता अनुसार दीपावली महापर्व भगवान महावीर के निर्वाण एवं उनके प्रमुख शिष्य गौतम को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जीवन नर से नारायण बनने एवं आत्मा के क्रमिक पूर्ण विकास की कहानी है। इस प्रकार आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल द्वारा रचित लिखी गई तीर्थंकर भगवान महावीर नामक पुस्तक नामक कृति ऑडियो के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। सभी देश के लोग और विदेश के लोग भी सच्चे अर्थों में भगवान महावीर को जानने का प्रयास करें, स्वयं जाने और जैसे भगवान महावीर ने इस तत्व को आत्मसात किया और संपूर्ण विश्व में यह तत्व पहुंचाया, ऐसे ही हम भी ऐसे भगवान महावीर के जीवन और उनके तत्व दर्शन को स्वयं जाने, अनुभव करें और जन जन का यह विषय बनाएं, ऐसी पवित्र भावना के साथ विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र।